सब वफाएं मेरे अब्बास के शाने लग जाए मेरी माँ और बहनों की जानिब से। वो जो करबला की माए हैं हजरत उम्मे रबाब को मैं एक सलाम पेश करते हुए शेर अता कर रहा हूँ आप सबकी जानिब से। मैं वहां जाके चौखट पर रखना चाहता हूँ हजरत अली असगर की, शेर पेश कर रहा हूँ माओ बहनों की जानिब से। कहा बानो ने ये असगर से कि जाओ मेरे लाल, बानों ने यसगर से कि जाओ मेरे लाल, आज तीरों पे तबस्सुम के निशाने लग जाए। कहा बानों ने यसगर से। हजरत 10 बजे तक ये ऐवान गालिब जो है वो चमन भाई ने लिया हुआ है और उसके बाद नजर मौला भी है। 9:30 बज चुके हैं, मैं 6-7 मिनट में बस शिरकत कर रहा हूँ मदे हाजिर में। बस दुआ के लिए साहब, हालांकि मैं तो 4 बजे से निजामत में बहुत कुछ पढ़ता रहा हूँ, पेश कर रहा हूँ कि 12वां भी अली का नायब है, 12वां भी अली का नायब है, इसलिए मजहर अल अजायब है, 12वां भी अली का नायब है, इसलिए मजहर अल अजायब है। आज महफिल पे है खुदा का करम, मधे हाजिर में मधे गायब है। आज आज महफिल पे है खुदा का करम, आज महफिल पे है खुदा का करम, मधे हाजिर। नारे हैदरी, ये मिर्ज़ा दबीर के चश्मों चराग और उनकी तरफ से मैं एक 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 कत और पेश कर रहा हूँ। शक्लो सूरत में मुर्तजा की तरह, शक्लो सूरत में मुर्तजा की तरह और शबाहत में मुस्तफा की तरह, हो न जाए नुसैरियों को खबर तुम तो गायब भी हो खुदा की तरह। शक्लो सूरत में मुस्तफा की तरह और शजाहत में मुर्तजा की तरह, हो न जाए नुसैरियों को खबर तुम तो अच्छा एक कथा दो कथे तो आपने अपने जात सुन लिए, एक में मैं देखता हूँ कि मेरा मजमा अभी कितना हसास है। ये दिल्ली है और पूरा हिंदुस्तान यहाँ मौजूद है, कैमरा महफूज करे कि शायरी की हिफाजत आप करते हैं और जज्बों की हिफाजत, जो पूरी दुनिया का मंजरनामा। हम शायर लोग लफ्जों के इस्तियारों को बड़ी नजाकत से बरतते हैं और कोशिश करते हैं कि मीडिया से पहुंच जाए हमारी बात। जो यहाँ से फिलिस्तीन तक की सूरत हाल है चमन भाई, पूरी दुनिया ग्लोबल हुसैनी मिशन है, बहुत बड़ा कैनवस है हमारे इदारे का। आपके लिए मैंने न्यूयॉर्क में तकरीरें की हैं, आपके लिए मैंने अमेरिका के 2500 स्टेट्स में तकरीरें की हैं, ग्लोबल हुसैनी मिशन के चैनल पे कैमरे से आपके वहाँ आशूर के दिन हमने तकरीरें की हैं। मैं 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ, फिलिस्तीन तक का मंजरनामा आपके हवाले है, पेश कर रहा हूँ मिसरे। दुआ मायूब होती जा रही है, दुआ मायूब होती जा रही है, सदा मसलूब होती जा रही है, तुम्हारे हिजर में जहरा के यूसुफ नजर याकूब होती जा रही है, दुआ मायूब 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 होती जा रही है, सदा मसलूब होती जा रही है, तुम्हारे हिजर में जहरा के यूसुफ नजर याकूब होती जा रही है, तुम्हारे हिजर में जहरा के यूसुफ, तुम्हारे हिजर में जहरा के यूसुफ नजर याकूब होती जा रही है। और ये प्रोफेसर नाशिर नकवी साहब मेरे उस्ताद हैं, इनका हुक्म एक शेर के लिए ये कह रहे हैं कि वो जब शेर मैं याद करता हूँ तो रोता हूँ, और पूरे एक महीने से उनके ऊपर, तो उसके लिए मैं 2-3 शेर पेश कर रहा हूँ। गम-ए-शब्बीर की लव हम जो बढ़ाने लग जाएं, गम-ए-शब्बीर की लव हम जो बढ़ाने लग जाएं, गमे दुनिया तेरे तूफान ठिकाने लग जाएं। लीजिए और कुछ नहीं पड़ता, इसी के 4-5 शेर पेश कर दे रहा हूँ। गमे शब्बीर की लव हम जो बढ़ाने लग जाएं, गमे दुनिया तेरे तूफान ठिकाने लग जाएं, ये नुजूमी भी अगर हुर का मुकद्दर पढ़ लें अपने हाथों की लकीरों को मिटाने लग जाएं, ये नुजूमी भी अगर हुर का मुकद्दर पढ़ लें अपने हाथों की लकीरों को मिटाने लग जाएं। एक शेर पेश कर रहा हूं, अगर हम शोल्डर टू शोल्डर दिल्ली से यह पैगाम हिंदुस्तान से आम करते हुए दुनिया भर को दें तो दुनिया हमारे सामने ठहर नहीं सकेगी। पैगाम दे रहा हूं और दिल्ली से यह पैगाम जाना चाहिए, हुसैनी ग्लोबल मिशन के जरिए से चमन भाई यह पैगाम जाना चाहिए।
बस आजादार ही दुनिया को दिखाई देंगे, बस आजादार ही दुनिया में दिखाई देंगे हम अगर शानों से शानों को मिलाने लग जाते। शेर दोहराने का मौका नहीं है, हम आजादार ही दुनिया में दिखाई देंगे, बस आजादार ही दुनिया में दिखाई देंगे हम अगर सियासी लोग बैठे हुए, हम अगर शानों से शानों को मिलाने लग जाएं, हम अगर शानों से शानों को मिलाने लग जाएं, नजर आए कहीं नाना कहीं दादा का जलाल, नजर आए कहीं नाना कहीं दादा का जलाल, आस्तीन मोहम्मद जो चढ़ाने लग जाए, नजर आए कहीं नाना कहीं दादा का जलाल, आस्तीन मोहम्मद जो चढ़ाने लग जाएं। और एक बार फितरुस आया था शब्बीर के झूले पे, आज भी फितरुस आता है हमारे आजा खानों पे, शहनशीनों पे, हजरत अली असगर का झूला चूमने, शेर पेश कर रहा हूँ, चूमने आया है बेशीर का झूला फितरुस, शायर काफिया दीजिएगा, चूमने आया है बेशीर का झूला फितरुस, बालों पर और भी दो चार सुहाने लग जाएं, बालों पर और भी दो चार सुहाने लग जाएं। जो शेर आपने नहीं सुना, हर जगह सब थोड़ी पढ़ते हैं, एक शेर सुन लीजिए, आपने इस्लाम का नहीं सुना था, शेर पेश कर रहा हूं, वरना खा जाएंगी दुनिया की जफाएं इनको, वरना शायरी हुई हो गालिब चचा आपसे दाद चाहूंगा ऐवान गालिब में, वरना खा जाएंगी दुनिया की जफाएं इनको, सब वफाएं मेरे अब्बास के शाने लग जाए, वरना खा जाएंगी दुनिया की जफाएं इनको, वरना वरना खा जाएंगे दुनिया की जफाएं इनको, सब वफाएं मेरे अब्बास के शाने लग जाएं, मेरी माँ और बहनों की जानिब से वो जो करबला की माएं हैं, हजरत उमर रबाब को मैं एक सलाम पेश करते हुए शेर अता कर रहा हूँ आप सब की जानिब से, मैं वहां जाके चौखट पर रखना चाहता हूँ हजरत अली असगर की, शेर पेश कर रहा हूँ माओ बहनों की जानिब से, कहा बानो ने ये असगर से कि जाओ मेरे लाल, उन्होंने यसगर से कि जाओ मेरे लाल, आज तीरों पे तबस्सुम के निशाने लग जाए, उन्होंने यसगर से कि जाओ मेरे लाल, साहबानों ने यसगर से कि जाओ मेरे लाल, आज तीरों पे तबस्सुम के निशाने, कहा बानों ने यसगर से कि जाओ, कहा बानों ने यसगर से कि जाओ मेरे लाल, आज तीरों पे तबस्सुम के निशाने लग जाएं, आज अब ये शेर पेश कर रहा हूं, उसके मातम के दिए कौन बुझा सकता है, जश्न नूर गवाह है, उसके मातम के दिए कौन बुझा सकता है, आधिया जिसके चरागों को जलाने लग जाएं, जबान तोड़ना असल में वो बुझाने आपके साथ लगा हुआ है, जब कोई नया काम करो तो हैरत का यही आलम होता है, उसके मातम के दिए कौन बुझा सकता है, आधिया जिसके चरागों को जलाने लग जाएं, मुहावरे तोड़ना बड़ा मुश्किल काम होता है, नई जबान बनाना, उसके मातम के दिए कौन बुझा सकता है, आंधियां जिसके चरागों को जलाने लग जाएं, आंधियां जिसके चरागों को जलाने लग जाएं, आंधियां, अब वो शेर हाय 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 जो नासिर सर को बहुत पसंद है, उसकी वजह से उन्होंने हुक्म दिया कि ये पढ़ो, मैंने आज एक नया सलाम और एक नया मुसद्दस कहा था, वो इंशाअल्लाह आइंदा साल तक के लिए शोरा को वक्त देना है, बिलाल भाई को सुनना है हमें, मैं शेर पेश कर रहा हूँ, आंधियां जिसके चरागों को जलाने लग जाएं, फूल गिर जाएं जो ताबूत अली अकबर से,
फूल गिर जाए नौजवानों कुर्बान हो जाओ शेर पे, फूल गिर जाए जो ताबूत है अली अकबर से, आके यूसुफ ने पलकों से उठाने लग जाए, फूल गिर। अब एक शेर, अब चमन भाई हमें लेकर करबला जाते हैं, अरबईन पे लेके जाते हैं, मौला अब्बास के हरम में इन्होंने मुझसे मजलिस पढ़वाई, जब नजफ में चले जाओ तो ऐसा लगता है नजफ तक तो आ गए हैं, करबला नहीं जा पाएंगे, करोड़ों के 6 करोड़ का मजमा, जब करबला में जाओ रहमत भाई तो लगता है कि साहब यहाँ तक आ गए हैं, वो हरम तक नहीं जा पाएंगे, उसके बाद जब हरम तक जाओ तो लगता है कि यहाँ तक तो आ गए हैं, जरी तक नहीं जा पाएंगे, उसके बाद जब जरी पे जाओ तो ऐसा लगता है आ गए हैं, वापस नहीं जा पाएंगे, मगर वहाँ कौन है जिसको ज़ियारत नहीं मिलती, कौन है कि जो सेहत के साथ वापस नहीं आता, कौन है जिसे जरी नहीं मिलती, बल्कि हम जाकिरों में कौन है जिसे मजलिस पढ़ने को नहीं मिलता। अजीब वो गरीब मौला का मौजजा है, शेर पेश कर रहा हूँ, जिस वक्त आप मुझे करबला में ले जा रहे थे उस वक्त ये शेर हो रहा था, शेर शेर दुआ चाहूंगा, ऐ सकीना के चचा इतनी इजाजत दे दे, ऐ सकीना के चचा इतनी इजाजत दे दे, तेरी जाली से मुरादों के बहाने लग जाए, ऐ सकीना के चचा इतनी इजाजत दे दे, तेरी जाली से मुरादों के बहाने लग जाए, कितना पुरहौल है ये शाम गरीबां का सफर, नौहे थम जाए तो सन्नाटे रुलाने लग जाए, नौहे थम जाए कितना पुरहौल है, कितना ये शाम गरीबों का सफर। बहुत सारा आपने शेर जैसा है ने उससे ज्यादा दुआ दिया, कितना पुरहौल है ये शाम गरीबों का सफर, कितना पुरहौल है ये शाम गरीबों का सफर, कितना पुरहौल है ये शाम गरीबों का सफर, नौहे थम जाए तो सन्नाटे रुलाने लग जाए, नौहे थम जाए कितना पुरहौल है सकीना के चचा। एक बार अनीस और दबीर की जानिब से ये मिसरे वहां जाके मैं पेश कर रहा हूँ, ऐ सकीना के चचा, इन बुजुर्गों के हरफों की जूतियां सीधी करके हमें सुखन तराजी आई है, ऐ सकीना के चचा इतनी इजाजत दे दे, ये इस मरसी ये इन मिसरों पे आपकी एक कैफियत बता रही है कि आपके समातों की तरबियत अनीस और दबीर के मरसियों की गोद में हुई है। ऐ सकीना, फूल गिर जाए जो ताबूत अली अकबर से, फूल गिर जाए जो ताबूत अली अकबर से, आके यूसुफ उन पलकों से उठाने लग जाए, आके यूसुफ उन्हें पलकों से उठाने लग जाए, ऐ सकीना के चचा। ये नाशिर सर की ये सनद है दी हुई इस पे, फूल गिर जाए जो ताबूत अली अकबर से, आके यूसुफ उन्हें पलकों से उठाने लग जाए, ऐ सकीना के चचा इतनी इजाजत दे दे, तेरी जाली से मुरादों के बहाने लग जाए, तेरी जाली से मुरादों के बहाने लग जाए, कितना पुरहौल है ये शाम गरीबों का सफर, कितना पुरहौल है ये शाम गरीबों का सफर, नौहे थम जाए तो सन्नाटे रुलाने लग जाए, नौहे थम जाए तो सन्नाटे रुलाने लग जाए, सिलसिला खुल से पहले न रुकेगा नैयर, सिलसिला खुल्द से पहले न रुकेगा न यार, एक के बाद एक अगर ताजिया खाने लग जाए, सिलसिला खुल्द से पहले न रुकेगा न यार, एक के बाद एक अगर ताजिया खाने लग जाए, ये नजूमी भी अगर हुर का मुकद्दर पढ़ लें, अपने हाथों की लकीरों को मिटाने।